और ये अपने आप में सुखद संयोग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले जब वो अमेरिका गए वहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय मंच से इस बात का जिक्र किया कि ये भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं, जो करदाता हैं, बड़ी संख्या में अब अपने कर की अदायगी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका श्रेय आप सब लोगों को भी जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट CBDT को भी, क्योंकि आप सब जो अधिकारी गण हैं जिस तरह से तत्परता से अपने कार्यों को अंजाम देते हैं उसी के चलते ये संभव हो पाया है कि हमारे जो करदाता हैं, आंकड़ों की दृष्टि से एक नई संख्या हमारे सामने है जिसका वर्णन बारह माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। और साथ ही जो बात होती है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, इन तीनों की दृष्टि से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उसमें करदाता की अगर बात हो, भारत के विकास की बात हो, आधारभूत ढांचे की बात हो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उन सब में कहीं ना कहीं जो हमारे करदाता हैं और जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरी प्रणाली है, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है पूरे भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर बात करें, और डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं बार बार। लेकिन विश्वास का जो पक्ष है उसमें प्रत्येक व्यक्ति और विशेष रूप से करदाता जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि एक बार जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर आपके सामने अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। परम आदरणीय श्री प्रमोद चंद मोदी जी, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, श्री अखिलेश रंजन जी, श्री PK दास सर एंड श्री प्रभाष शंकर जी, विभाग के यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के हमारे मित्र बंधु और वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली, बंगलोर, पूना, अहमदाबाद और हैदराबाद से जुड़े हुए आयकर विभाग के सभी लोग, देवियों और सज्जनों, ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस अवसर पर मुझे ई असेसमेंट स्कीम 2019 के सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट्स के बारे में बोलने को कहा गया है। और आपसे ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये हमारे चेयरमैन साहब की निगरानी में, रादर एक एक वर्ड इन्होंने बड़े प्रेम से देखकर बनाया था, क्योंकि मुख्य कार्य जब वित्त मंत्री आने वाली थी तो समय बड़ा सीमित था, तो सर की अगर अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार कर सकता हूँ सर, वो 9 मिनट से बढ़ाकर 13, 14, 15 मिनट सर, हाँ हो सकते हैं सर, शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो नाउ आई एम प्रेजेंटिंग दिस, एज ऑल ऑफ यू नो दैट ऑनरेबल FM ऑन हर बजट स्पीच ऑन 5th जुलाई 2019 faceless assessment in electronic mode with no human interface to be launched in 2019 in a phased manner, notices to be issued electronically by a central cell, cases to be allocated to assessment units in a random manner, central cell to be the single point of contact between taxpayer and the department. Next slide, please. The legal framework of this has been provided by Section 143(3)(a) and 3(b) of the Income Tax Act, which empowered notification of e-assessment scheme to impart greater efficiency, transparency, and accountability by eliminating interface between the assessing officer and the assessee to the extent technologically feasible. Here I would like to pause and say that technologically feasibility is bound to expand as time goes by, and the facelessness over the period is likely to increase accordingly. इस पर इकबाल का एक शेर है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। थोड़ा इसमें चेंज, इश्क का मतलब काम से ही लीजिएगा। तू शाही है, तू शाही है, परवाज काम है तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। शाही का मतलब गरुड़ होता है जिनको उर्दू थोड़ा, और परवाज का मतलब होता है उड़ना। तो ये तो अकाउंटेबिलिटी बाय एलिमिनेशन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी शैल बी ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेज थ्रू इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। This functional specialization is also very, very important, about which I shall be discussing in the later part. And team-based assessment with dynamic jurisdiction has been introduced. An e-assessment scheme was actually notified
on 12th of September 2019. Next one, please. There is a map of India, and there is one national e-assessment center that is at Delhi, inaugurated just now. It shall be located at the NBCC building, Saket, and of course, it shall be headed by the principal CCIT, that at the moment is me. And there are 8 e-assessment centers headed by 4 chief commissioners of income tax. Srimati Smita Jingaran has been posted for Delhi and Ahmedabad. Mr. ML Karmakar, he shall be looking after Mumbai and Pune. Anu J. Singh shall be looking at Chennai and Bangalore. And Mr. K.K. Singh is for Kolkata and Hyderabad. Very good number of manpower has been provided, for which I am extremely grateful to the members of CBDT, because they have had a very large vision. There is one principal CC, 4 CCITs, 25 principal commissioners, 1 CIT, which will be a National E-Assessment Center, 144 additional commissioners of income tax, 163 DC, 281 ITOs, 635 inspectors, 400 executive assistants, 558 multitasking staff, and 474 stenographer. Total strength is about 2,686. This is an ecosystem of e-assessment 2019. This particular slide has been made by Sanjeev Singh. Can I see you, Sanjeev? Hi. Now, it is his contribution. In fact, I would say the system directorate is the backbone of the e-assessment, and the other our limbs are principal chief commissioners of income tax, who shall be providing us manpower as well as building and all those infrastructure. Somebody started clapping for systems, so we can clap for them. So notices shall be issued directly, and there is by the National E-Assessment Center to the taxpayer, and the taxpayer will also be responding to National E-Assessment Center through www.incometaxindiaefiling.gov.in. And the second mode is emails, registered emails, and also through registered mobile numbers. And regional e-assessment centers, most of you by now has known that there are 4 watertight compartments. Assessment unit, they shall have no connection with verification unit. They will be sending to the national e-assessment unit if any verification is required. Then national e-assessment center will refer the matter back to the verification unit, and the again, technical unit and review unit. These are the 4 units which shall be especially doing that particular kind of work. And of course, there will be no human interface, dynamic jurisdiction, team-based working, and functional specialization. This is the structure of the National E-Assessment Center. There are only 9 officers in the National E-Assessment Center, 1 principal CCIT, 1 CIT, 1 ITO headquarter, 2 additional CITs, and 4 DCITs or ACITs. The functions of National E-Assessment Center, basically the whole process of e-assessment starts as well as ends at the National E-Assessment Center. The notices are issued by National E-Assessment Center, and the final assessment order, it is not the regional. There was some confusion I saw in the website that who will be doing assessment. Actually, the National E-Assessment Center shall be finalizing the e-assessments. So one of the important calm of the work of the National E-Assessment Center is to specify format, mode, procedure, and processes, how the entire functioning of the REAC as well as NEEC shall be done, and how notices that be issued, acknowledgement, etc., has to be it is to be acknowledged. And send all notices and communication electronically to the SSE, and on receipt of response of the SSE, assign cases to assessment unit of the REAC through automated allocation system.
then allocate cases for verification unit and technical units again through automated allocation system, and finally select draft assessment orders for review, and that too there is no discretion, by automated examination tool AET to the review unit again through automated allocation system. Char bar automated allocation system aa chuka hai isme. So discretion is the minimum. Computer and its artificial intelligence and so many things will be in complete play, so that to have no, even I would not know which particular case is going to which unit for what purpose. Then when the draft assessment order has come to the national assessment NEAC, then SSE shall be provided opportunity before finalizing the assessment order. And when everything is there and technical unit or review unit are satisfied that the order is fine, then the order shall be finalized, and assessment order and demand notice or the penalty notice, if it has been, it is, shall be issued by the National E-Assessment Center. Thereafter, the entire electronic records shall be transferred to the jurisdictional AO, who shall be responsible for collection of demand, levy of penalty, and if the case be, launching of prosecution, etc. That is the post-assessment work. Next one. This is the structure of regional e-assessment centers. It is headed by CCIT, and technical unit, there are only four technical units, one with each CCIT. It is headed by additional CIT, having two DCITs, and shall be reporting directly to the CCIT. Then there are 13 review units, five is at Delhi, and four each at KMC, that is Calcutta, Mumbai, and Chennai. And they are also reporting directly to the CCIT. This assessment units, there are 100 assessment units throughout the country, and it has a structure of additional CIT and one DCIT and one ITO, consisting of four officers. And with 558,322, that is 58,322 case jo humne select kiye hain, to per assessment unit jo kaam aa raha hai wo aa raha hai 583 cases at the moment, which I feel is very fair and reasonable. 20 assessment units are in Delhi, 16 are at again KMC, that is Calcutta, Mumbai, Chennai, and 8 is at ABHP, Ahmedabad, Bangalore, Hyderabad, and Pune. Then we have got 25 verification units. We shall be carrying out extensive and deep verification of the matter referred to them. They have been empowered with Section 131, as well as they have been empowered with 133A. If the case requires, even they can get the survey conducted also. So there the slightly facelessness will go, but if the case requires, it's a big tax evasion case, so all those things has been taken care in the in this e-assessment scheme. Again, there are 25 verification units, 5 at Delhi, for this I have already spoken. Oh, now you can see that the whole, come back to it please. Hello? Piche jara jaiye, slide 9 pe. Haan. The entire thing is now very different than what was earlier. पहले एक असेसिंग अफसर, उनको ही पुराने जैसे कभी लोग बैठ के खुद अपना सब कुछ करते थे, सब कुछ करना था. अब जो है ई असेसमेंट स्कीम के अंदर चीज़ें बदल रही हैं. इस पर भी एक बाल का बड़ा प्यारा सा शेर है, लेकिन उसका एक शब्द बदल दूंगा मैं सर. गए दिन कि तन्हा था मैं अंजुमन में. तो ए ओ साहब आप बहुत दिन चले गए कि आप तन्हा थे एक अंजुमन में, यहाँ अब तेरे राजदा और हैं. तो राजदास को मैं चेंज करना चाहता हूँ कि आवर इज अ वेरी कोलैबोरेटिव एंड कलेक्टिव सिस्टम. अब आपके सहयोगी बहुत सारे हो गए हैं स्पेशलाइजेशन के द्वारा. आप, आई एम श्योर यू विल बी डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड मेकिंग सम वेरी वेरी हाई क्वालिटी असेसमेंट्स, जिससे आई होप दैट द डिपार्टमेंट इज प्राउड ऑफ द ऑफिसर्स पोस्टेड इन NEAC और REAC. आई होप दे आर लिसनिंग दिस सिटिंग इन दोज सेंटर्स. Functions of REAC. Sir, I'm going to have 5 minutes more, sir. 10 minutes more.
असेसमेंट यूनिट शैल आइडेंटिफाई इश्यूज। फर्स्ट तो 143(2) के नोटिस में ही ओरिजिनली इशू तो दिया गया है एंड लिमिटेड स्क्रूटनी में इश्यूज तो क्रिस्टलाइज्ड हैं, बट देर इज अनदर थिंग कॉल्ड कंप्लीट असेसमेंट। तो मेरा अपना मानना है इट शुड बी रीक्रिश्चन एंड अनलिमिटेड केसेस, बिकॉज कंप्लीट तो होना बड़ा मुश्किल है, अनलिमिटेड में कहीं तक आप जाके रुक सकते हैं। तो उन केसेस में असेसमेंट यूनिट्स आर सपोज टू आइडेंटिफाई इश्यूज, सीक इंफॉर्मेशन एंड एनालाइज मटेरियल टू फ्रेम ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर। देन द ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर कम्स टू NEAC एंड द रिक्वेस्ट फॉर वेरिफिकेशन ऑल्सो कम। देन द वेरिफिकेशन यूनिट शैल कंडक्ट इंक्वायरी, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देन द टेक्निकल यूनिट शैल बी प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन लीगल, अकाउंटिंग, फॉरेंसिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इफ द केस इज रिक्वायरिंग वैल्यूएशन देन वैल्यूएशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, डाटा एनालिटिक्स एटसेट्रा। एंड द रिव्यू यूनिट शैल बी रिव्यूइंग ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर, वेदर मटेरियल एविडेंसेज हैव बीन ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड ऑर नॉट, ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ, पॉइंट्स ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ हैज बीन प्रॉपरली इनकॉर्पोरेटेड, करेक्ट जुडिशियल डिसीजंस हैव बीन कंसिडर्ड, और इवन द सिंपल थिंग ऑफ देयर इज अर्थमेटिकली कैलकुलेशंस आर करेक्ट ऑर नॉट, दीज थिंग्स शैल बी सीन बाय द रिव्यू यूनिट। प्रोग्रेस सो फार, ऑन 5th July देयर वॉज अनाउंसमेंट इन बजट। This is the progress so far. So announcement in budget was on 5th. Today there was inauguration. आप लोग सब विभाग के लोग हैं इसलिए आपको पता ही है बीच बीच में क्या हो गया है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मुंबई हैज मेंटेन इट्स यूजुअल नरेशन ऑफ बींग फर्स्ट इन एवरीथिंग। दे हैव ऑलरेडी गिवेन अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग टू द REAC एट मुंबई। ऑल ऑफिसर्स हैव बीन पोस्टेड एंड अगर सतीश गुप्ता जी आप सुन रहे हो, आपके और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद और बहुत बहुत बधाई। और केसेज जो सेलेक्ट हुए हैं 58,322 इन विच ITR 1 to ITR 6 सभी तरह के केसेज हैं। इसमें कंपनीज के भी 3,517 केसेज हैं फॉर कंप्लीट एंड 7,579 केसेज आर फॉर लिमिटेड स्क्रूटनी। सो फ्रॉम सिंपल ITR 1 सहज टू सुगम ITR 4 के भी काफ़ी केसेस हैं, देन ITR 3 के भी काफ़ी केसेस हैं। सो इट्स अ वेरी नाइस मिक्स एंड वी शैल बी प्रोसीडिंग फर्दर ऑन ऑल दैट। एक्सपेक्टेड बेनिफिट आई विल बी वेरी सिंपल, बेटर क्वालिटी ऑफ असेसमेंट इज लाइकली टू टेक प्लेस एंड द असेसमेंट शैल बी एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेज शैल बी देयर। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण मोहन प्रसाद सर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर NEAC, ई असेसमेंट स्कीम 2019 के विषय में आपको प्रेजेंटेशन के माध्यम से बता रहे थे। एंड नाउ फॉर वोट ऑफ थैंक्स आई वुड रिक्वेस्ट कमिश्नर नेशनल